थर्ड पार्ट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पेज नंबर 56। चैप्टर नंबर 5 में ये जो है कॉजेज का मतलब क्या है, पॉवर्टी क्यों होती है, कोई भी कंट्री के अंदर पॉवर्टी है तो उसके पीछे का रीजन क्या। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इट इज बेटर टू नो इट्स कॉजेज एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। पहले अपने कारण ढूंढे फिर सॉल्यूशन आए। टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स रीजंस। अब उसमें सबसे पहला रीजन, ग्रुप ऑफ रीजंस, वो हिस्टोरिकल रीजंस। 17 सेंचुरी तक इंडिया कंपैरेटिवली ज्यादा अर्बनाइज था, प्लस सिटी ओरिएंटेड कंट्री एंड मोस्ट कमर्शियलाइज नेशन। हमारे कंट्री के जो ट्रेड एंड कॉमर्स थे वो पूरी दुनिया तक फैल हुए। इन बिजनेस इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड विद दैट सिल्क स्पाइसेस पैडी वाज आल्सो एक्सपोर्टेड। बट आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश फ्रेंच एंड डच पीपल और उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया। सवाल, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या, पहले स्लेव बना दे, अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश करके पहले स्लेव बना दे और उसके बाद में एक्सप्लोटेशन शुरू करो। इंडियाज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिचुएशन डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड का मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड, खराब होना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चरल सेक्टर सफर्ड इन इंडिया ड्यू टू मेनी रीजंस। ऑन वन हैंड इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन मॉनसून। पहला प्रॉब्लम ये कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मॉनसून बेस्ड है। ब्रिटिश डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन इरीगेशन प्रोजेक्ट। उन्होंने कोई इरीगेशन प्रोजेक्ट के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। ऑन द अदर हैंड बार बार ड्राउट्स आते हैं। जमींदारी सिस्टम और टेनेंसी सिस्टम, व्हाट इज टेनेंसी सिस्टम, ये आप ने एग्रीकल्चर सेक्टर के चैप्टर में देखोगे। एक जमींदार जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन पर उसके पास खेती बाड़ी करने का टाइम नहीं, तो वो अपनी जमीन किसी को भाड़े पे दे दे, वो टेनेंट बोला जाता है। जो भाड़ुआ दे जमीन का उसको अपने क्या बोलेंगे, टेनेंट। नाउ दैट टेनेंट, उसको जब जमीन दी भी जाती थी तो भी ही डिड नॉट हैव एनी गारंटी दैट ही विल रिमेन ऑन द सेम लैंड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो इन्वेस्टेड नहीं करता था उसके अंदर कोई भी, ना इरिगेशन के ऊपर, ना क्रॉप के बेटरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करता था। द फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशंस डिटीरियोरेटेड एंड दे वर अंडर द प्रेशर ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन गिवन टू देम बाय जमींदार्स मनी लेंडर्स एंड बिग बिजनेसमैन। कल्टीवेटर स्टार्टेड लूजिंग लैंड। अब क्या हुआ, अगर आप भाड़ा नहीं दे पाते तो जमीन जो कल्टीवेटर थे, बात समझो पहले तो, अगर समझो तुमने किसी से लोन ली, बाहरू आते तो खुद की जमीन है ही नहीं, बात समझो, टेनेंसी में तो जमीन है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी खुद की जमीन भी हो और अगर तुमने किसी के पास से कर्ज लिया, वो पूरा ना कर पाओ तो जमीन चली जाए, तो इसके कारण फार्मर्स और एग्रीकल्चर दोनों की हालत खराब से पॉवर्टी इंक्रीज हुई। दो रीजन हुए यहाँ पे, अगर याद रखना हो तो कैसे याद रखना, बाहर से आने वाले जो लोग थे उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन शुरू किया और इंडिया के अंदर जो जमींदार थे उन्होंने जमीन को किसी को भाड़े पे दिया, या जिसने जिसकी खुद की भी जमीन होती थी वो अपनी जमीन गिरवी रख के अगर पैसा ले तो उसकी जमीन चली जाती। इन कारण के इन ये रीजन है जिसके कारण पॉवर्टी इंक्रीज हुई। इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, अब बिजनेस की बात करो तो ब्रिटिश फॉलो दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिससे इंडिया को फायदा ना हो उनको खुद को फायदा हो। जो पॉलिसी बनाई जाती थी उसमें ब्रिटिश का फायदा होता। इंडिया को एक्सपोर्ट करने में प्रोहिबिशन था, मतलब कुछ कुछ के एक्सपोर्ट करना पड़े। वेरेस गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड वो यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स कंसेशन के बाद इंडिया में बेचे जाते,
इंडियन मार्केट में आराम से बिकते थे वो। मोर ओवर टू सप्लाई दीज गुड्स टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन रेलवे को यूज किया। तो मतलब आप अगर ब्रिटिश गुड्स चाहते हो तो इंडिया में मिल जाए, लेकिन इंडियन गुड्स मांगो तो ना मिले। वो इतने महंगे कर दिए थे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी ब्रिटिश गेन सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया विच दे इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूज इंडियन मार्केट टू सेल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लूजिंग देयर कॉम्पिटिटिव पावर एंड प्रोडक्शन पावर। तो अब हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप करने के लिए जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था वहां पे इंग्लैंड में, उसको कहाँ बेचा जा रहा था, इंडियन मार्केट्स के अंदर बेचा जा रहा, और यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल से वो सब वहां चले जा रहे। इसका मतलब कि कॉम्पिटिशन के अंदर इंडियन कोई भी बिजनेस टिकता ही नहीं था। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, पॉवर्टी इंक्रीज। नाउ कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, पहले नेचुरल कॉजेस। इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चरल कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टुडे ऑल्सो अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इन इंडिया प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, वेदर कंडीशन एक्सेट्रा। रिपीटेड ड्राउट, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून एंड फ्लड्स रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्शन एंड लेस एंड अनसर्टेन इनकम of the agriculturist, hence poverty is more. गरीबी ज्यादा होने के पीछे का कारण बार बार ड्रॉट्स का होना, मॉनसून टाइम पे ना आना, फ्लड की सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो जाना, ये नेचुरल कॉजेज में आता है। ये गांव के अंदर खास तो जो भी पैसा आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में से आता है। That's all. फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स। डेमोग्राफिक का मतलब क्या मानेंगे, अपने पॉपुलेशन रिलेटेड। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिड इम्प्लीमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, ऑन द वन हैंड डेथ रेट डिक्लाइंड फास्ट बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट डिड नॉट रिड्यूस। डेथ रेट फास्ट डिक्लाइन करना शुरू किया लेकिन जो बर्थ रेट है वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ। रीजन बताओ, पहली बात तो पहले बच्चे मर बहुत जाते थे और फैमिली प्लानिंग जैसा होता नहीं था कुछ, दैट्स व्हाई ज्यादा बच्चे एक फैमिली के अंदर दिखे, 10-12 बच्चे उसमें से 3-4 मर जाते, और ये नॉर्मल होता था, ये नॉर्मल होता था। इसलिए इस कंडीशन के अंदर पेरेंट्स क्या सोचते थे कि ज्यादा बच्चे होंगे तो अगर कुछ मर भी जाए तो ज्यादा बचेंगे तो सही, और पढ़ाने लिखाने का खर्चा था नहीं वो टाइम पे, क्योंकि एजुकेशन के नाम पे जीरो ही था। 6-7 साल का हुआ तो बच्चे को अपने कोई जगह पे काम पे लगा देते, चाइल्ड लेबर बैन नहीं था वो जमाना, इसीलिए पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा था। हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, काफी सारी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल लाया गया। पहले टीबी से बहुत मर जाते थे, टीबी से बहुत मर जाते थे, अब टीबी क्योरेबल है। फिर उसके बाद में मलेरिया से लोग मर जाते थे, टाइफोइड से मर जाते थे लोग, फिर इन्फ्लुएंजा से लोग मर जाते थे, लेकिन ये सारी बीमारी के ऊपर कंट्रोल आ गया और उसकी दवाइयां है, तो मरने के जो रेट्स है वो धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगे, तो डेथ रेट कम हो गया लेकिन बर्थ रेट वही का वही रहा। So, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो तो उसके सामने कमाने का भी इतना होना चाहिए ना, लेकिन कमानी उतनी की उतनी चाहिए, जितना आप अर्न करते हो वो तो सेम रहता है। सो दैट्स व्हाई पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं होती। लो पर कैपिटा इनकम एंड विद बिग साइज ऑफ फैमिलीज यू डोंट हैव अ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं होती, गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, एजुकेशन है ना स्किल डेवलपमेंट है। सो अल्टीमेटली होगा क्या कि वो इंसान आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करेगा, वो अपने फादर से जो उसको मिलेगा उसी को आगे बढ़ाएगा।
दैट्स व्हाई यहाँ पे हाई पॉपुलेशन रेट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर बाय पॉवर्टी इन इंडिया। ओके नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, अगर पूछा जाए 5 मार्क का क्वेश्चन तो इकोनॉमिक पहले लिखा है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ हाई पॉवर्टी रूरल इंडिया इज लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर बिकॉज ऑफ पुअर इरीगेशन फैसिलिटीज, इनसफिशियंट टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हेवी लोड ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट इन लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यानी मतलब कहाँ से शुरू हुआ, पहले तो इरीगेशन फैसिलिटीज खराब, टेक्नोलॉजी बराबर से नहीं है, देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन, हर जगह पे एजुकेशन मिलता नहीं है, इवन जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के साथ में अगर आप उसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कंटिन्यू करोगे तो पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ता है लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता। मतलब फार्मर्स के पास जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी उतनी रहती नहीं, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को अपने प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एक फार्मर कितना प्रोडक्शन कर सकता है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। नाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया बिकॉज ऑफ जमीन सिस्टम लाइक जमींदारी लैंड ओनरशिप वॉज विद द हैंडफुल ऑफ जमींदार। जमींदारी सिस्टम आई ना उसके बाद में जमींदार के पास सब पावर्स थे, ज्यादा जमीन किसके पास थी, जमींदार के पास। दिस क्लास वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लैंड कल्टीवेशन। जमींदार कल्टीवेशन खुद नहीं करते लेकिन वो कल्टीवेशन किसी दूसरे को दे देते। ऑन द अदर हैंड द टेनेंट्स वर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड एंड वर नॉट द ओनर्स सो दे आल्सो हैड नो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट। यानी मतलब जो टेनेंट्स थे वो टेनेंट्स भी कैसे थे, वो खुद ऑनर्स नहीं थे। सो हुआ क्या यहाँ पे, उनको अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जो टेनेंट्स थे उनका टेन्योर यानी कितने टाइम तक वो रहेंगे वो भी डिसाइडेड नहीं, कभी भी उनको निकाल दिया जाए जमीन से। इसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम रहता है, प्रोडक्टिविटी एंड पॉवर्टी इंक्रीज डे बाई डे। नाउ मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद में इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात, बट उसने कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर किया, हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, बट डेवलपमेंट विथ द हेल्प ऑफ हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। बट रूरल एरियाज के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज चलती नहीं है, वहाँ तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, प्रोडक्शन और इनकम उसको निग्लेक्ट किया गया एंड वहाँ पे मिलने वाले जो प्रोडक्शन को वहाँ से मिलने वाले एम्प्लॉयमेंट को निग्लेक्ट किया गया। मोरओवर एग्रीकल्चरल और अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज एक्सेट्रा वर ग्रोइंग स्लोली। अब एग्रीकल्चर अकेला नहीं, अगर हम जब एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो उसमें साथ में आता है डेयरी इंडस्ट्री यानी एनिमल हस्बेंड्री भी उसके साथ में आ जाता है, फिशरी भी उसमें आ जाता है, वो धीमे धीमे ग्रो कर रहा है एंड दिस इंक्रीज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एज ए रिजल्ट पॉवर्टी रिमेन हाई, इसके कारण पॉवर्टी क्या बढ़ जाती है। नाउ रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइस राइज सीरियसली अफेक्ट्स पॉवर्टी बिकॉज ऑफ वॉर, ड्राउट, लो नेशनल प्रोडक्शन, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज एडिबल गुड्स राइज रैपिड। कहाँ से शुरू हुआ, वॉर, ड्राउट और नेशनल प्रोडक्शन का कम होना, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज हुई, हर चीज की प्राइस बढ़ती है। तो अब जितना भी कमा होने कम पड़ता है, जितना ज्यादा इनकम ऐड करते भी जाते हैं तो भी अपने को क्या लगता है, इट्स क्वाइट लो, कम है। दिस रिड्यूसेस परचेसिंग पावर ऑफ लो इनकम, जिनके पास कम इनकम है उनका परचेसिंग पावर कम रहता है, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्टेड होती है, जिससे अगर आपके पास खरीदने की ताकत नहीं है तो आप जितनी भी इनकम कमाओ, अभी समझो कि जिम्बाब्वे के अंदर आज से 10 साल पहले बहुत इन्फ्लेशन था, तो उसमें अगर कोई इंसान 1 मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर भी कमाता हो तो भी वो गरीब था,
1 मिलियन वीक का कमाता हूँ, महीने का नहीं बोल रहा, 1 मिलियन 10 लाख जिम्बाबियन डॉलर, तो भी वो गरीब था कि उसकी परचेसिंग पावर जो होती है ना 10 लाख की, तो बहुत ही कम थी। प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो राइज इन प्राइस जो है ना वो एक फैक्टर है, हमारा परचेसिंग पावर रिड्यूस कर देता है। दिस इंक्रीज इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट इज द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, इंडिया डेवलप हुआ लेकिन जो डेवलपमेंट था ना वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नहीं था, सिर्फ डेवलपमेंट। बट एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, हेंस ओनली 1 क्रॉप इन ईयर इज कल्टिवेटेड, सो देयर एग्जिस्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम ऑल्सो इंक्रीजेज द बर्डन ऑन एग्रीकल्चर एंड रिजल्ट्स इन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? जब कोई इंसान काम करता हुआ दिखे बट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन उसका जीरो, काम वो ना भी करे तो भी चले, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इन रूरल इंडिया लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एलाइड इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलिटरेसी, यानी मतलब इंडिया के अंदर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो अलाइड इंडस्ट्रीज डेवलप ना हो तो इससे इलिटरेसी बढ़ती है। लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर की मोबिलिटी कम, एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों इंक्रीज होते जाते। तो कहाँ से शुरुआत हुई इसमें? अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी जगह पे प्रॉपरली नहीं इंक्रीज हुआ। फिर बताया अनएम्प्लॉयमेंट कितना, मैंने आपको बोला था ऑलमोस्ट मोर देन 7% टोटल वर्क फोर्स का, और अगर वर्क फोर्स की बात करें तो 70 to 80 करोड़ के बीच में, अगर कोई 7% अनएम्प्लॉयमेंट देता है रहता है अगर समझो केस, तो इसका मतलब कम से कम 6-7 करोड़ लोग तो तुम्हारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई काम नहीं है। कम कमाने वाले तो अलग, ये तो काम बिना के लोग टोटली, दोनों कनेक्टेड। काम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से होगा, पैसा नहीं होगा तो गरीब, सिंपल है। उसके दोनों के रीजंस जो है ना वो भी ऑलमोस्ट सेम, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, और उसके जो प्रोग्राम्स है ना वो भी सेम। तुम जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स देखोगे ना वही अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के भी प्रोग्राम्स है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होगा तो अल्टीमेटली पॉवर्टी रिड्यूस हो ही जाएगी। इसीलिए इंडिया के अंदर क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, पहले से लेकर आखिर तक बहुत सारे रीजन इसमें काम। सबसे पहले तो तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा, कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन को खिलाने के लिए पहले तो इतना अनाज नहीं पैदा हुआ, चलो पैदा हो भी गया, हर चीज स्कैर्सिटी में रहेगी, हर चीज स्कैर्सिटी में, तो प्राइसेस इंक्रीज होगी। अब प्राइसेस को रिड्यूस करना है तो पॉपुलेशन रिड्यूस तो नहीं कर सकते, पॉपुलेशन तो अपने रेट के ऊपर आगे बढ़ेगी। अब दूसरा उसके बाद में आता है अनएम्प्लॉयमेंट, अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती, सो दैट्स व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो पॉवर्टी, अगेन पॉवर्टी, तो एजुकेशन नहीं है बच्चों के अंदर, अब बच्चों के अंदर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, फिर वहां पे अगर हम बात करें तो सब लोग एक तरह का ही एजुकेशन लेते, नौकर बनाने की बात करते, ऑनर बनाने की बात नहीं करते, यानी खुद को मालिक नहीं बनना है, खुद ऐसा ही सोचते हैं कि अपना खुद का बिजनेस नहीं, हम कोई जगह नौकरी कर ले बहुत है। और इसमें लिमिटेड हो जाते, नाउ यू हैव अ बाउंड्री कि अगर आपकी इनकम समझो 30,000 per month है तो 30,000 में घर चलाना है, अगर प्राइसेस बढ़ने लगेगी तो 30,000 कम पड़ेंगे, सिंपल सी बात। नाउ द नेक्स्ट सोशल रीजन इज जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी तो शुरुआत से, डोंट थिंक सिर्फ इंडिया में, जो पूरी दुनिया में सो कॉल्ड डेवलप कंट्री भी एक जमाने में वोटिंग राइट औरतों को नहीं देती थी, इंग्लैंड में वोटिंग राइट नहीं था, आई थिंक 1910 के बाद में आया फीमेल को वोटिंग राइट, फीमेल को वोटिंग राइट नहीं था,
यानी इलेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती थी और इलेक्शन के अंदर वो वोट भी नहीं दे सकती। तो इस तरह की इनइक्वालिटी अगर डेवलप कंट्री में देखने को मिलती है, अंडर डेवलप कंट्री का तो सवाल था कि सोसाइटी केयर लेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल्स, एज अ रिजल्ट फीमेल फेस हायर लेवल ऑफ मालन्यूट्रिशन, लो वेट एंड वीकनेस, दिस कॉजेस हाई मैटरनल मोर्टालिटी। सी व्हाट इज मैटरनल मोर्टालिटी, माँ का मर जाना, जन्म बच्चे को देने के बाद माँ मर जाना, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, अब इसके कारण होता क्या है, बच्चे जो है ना उनको भी माँ को न्यूट्रिशनल फूड ना मिले, बच्चे को कहाँ से, रिजल्टिंग वर्क एलोकेशन इज सच दैट इट इज बिलीव एज कंपल्सरी टू फॉर वीमेन टू वर्क एट होम। आज भी मानते हैं, अभी सर्वे किया 4-5 दिन पहले दिव्य भास्कर, वैसे तो दैनिक भास्कर ने सर्वे किया जो पूरे इंडिया के अंदर चलता है, ने सर्वे किया कि किसी एक हस्बैंड को कैसे बीवी अच्छी लगती, तो कमाने वाली नहीं अच्छी लगती, 57% ने ऐसा बोला कि कमाने वाली नहीं, हम घर पे जाएं तो हमारा वेट करने वाली, किचन में रहने वाली, सोचो ये मेंटालिटी, बात समझे ना। रिजल्टिंग इन लो लेवल ऑफ एजुकेशन, इसलिए क्या फीमेल्स के बीच में एजुकेशन बहुत कम एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। अपार्ट फ्रॉम दिस एट वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स, फीमेल की सैलरी भी कम होती है, प्रमोशन के चांसेस भी उनको कम मिलते हैं। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन लेस देन हाफ आर वीमेन, अमंग्स देम लो लेवल हेल्थ सॉरी लो हेल्थ लेवल एंड लेस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इकोनॉमिक फील्ड कीप्स फैमिली इनकम, अगर घर में एक जन कमाए या दो जन कमाए, दो जन कमाएंगे तो ज्यादा पैसा आएंगे, ज्यादा पैसे तो पॉवर्टी में से ज्यादा जल्दी बाहर निकलेंगे एंड दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ पॉवर्टी। नाउ अदर रीजंस भी दिए, पहले लिखा है वॉर, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉर 2 वॉर्स विद नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना, वॉर के अंदर है ना, एक तो ऑलरेडी कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्स पैसे है नहीं और सारा पैसा डिफेंस में चला जाता है, अगर पैसा डिफेंस में चला जाएगा तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एजुकेशन के ऊपर खाने पीने के ऊपर पैसा लाएंगे कहाँ से। ड्यूरिंग द वॉर द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ कंट्री आर स्पेंट ऑन प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड आर्म्स एंड अम्युनिशन, दिस रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेस ड्यूरिंग द वॉर टू अवॉइड स्कैर्सिटी ऑफ सर्टेन गुड्स इन फ्यूचर, people store food grains, clothes, fuel, etc. As a result, prices increase rapidly. Because of war, the process of economic development slows down. Yani dheema ho jata economic development ka process. Due to several wars in India, development expenditure is reduced. Bahut zyada war hui India ke andar. Paisa chala gaya kahan pe war ke expenditure ke andar. Fir wahan se development expenditure kam ho gaya. Economic development remains low and problem of price rise takes place. Hence, poverty increases. So, गरीबी increase होने के पीछे का सबसे बड़ा reason कौन सा है? अपने country में बार बार war होना और हमारी तो एक भी border safe नहीं है। तो defense के ऊपर India 4.5% से लेके 5% of GDP का खर्चा करता है। कितना? 4.5 से लेके 5% जितना खर्चा करता है total GDP का and this is quite a big amount. और इतनी बड़ी अमाउंट में से अगर 1% भी निकाल लिया जाए और वो पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जाए तो बजट डबल हो जाएगा एजुकेशन ऑलमोस्ट, बराबर। इंडिया 4% अपने बजट में से एजुकेशन पे खर्च कर, तो अगर 1% में इंक्रीज करूँ तो 25% इंक्रीज हो गया सीधा ही परसेंट, बराबर नहीं, तो जितना अभी मिल रहा है एजुकेशन उससे ज़्यादा एजुकेशन मिले। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, देखो वॉर की तो बात हमने देखी लेकिन अब सिक्योरिटी का इशू हमारे यहाँ पे बहुत सीरियस है। टू मेक द सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर एक्सपेंसेस ऑन मॉडर्न मिसाइल्स फाइटर प्लेन टैंक और सबमरीन हैव इंक्रीज्ड रैपिडली इन द प्रेजेंट एरा, टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म अ लॉट ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज हैव इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, द एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी इज non-developmental in nature,
मैंने अब सिक्योरिटी पे किया। देखो डेवलपमेंटल का मतलब क्या, जिसका रिटर्न मिले। अब ये फौजी जवान वहां पे काम करते हैं, रिटर्न क्या मिल रहा है? जीरो, कोई रिटर्न नहीं मिलता उसे। अभी वॉर तो चल नहीं रही है, 90% पोस्ट के ऊपर है ना, खाली रोज की ट्रेनिंग होती है बराबर, बट फिर भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो वहां, इसलिए हम यहाँ पे आराम से रहते बराबर। उनकी जरूरत तो है पर वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं, उससे कोई प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है। वहां पे किया जाने वाला खर्चा टोटली वेस्टेज है। आज तुमने जो खर्चा किया ना वो गया तो गया। वो अगर ट्रेनिंग के अंदर 4 गोली छोड़ेंगे तो 1 गोली अगर 100 रुपए की समझो तो 400 रुपए चले गए, सीधी बात है ना। तो एक नहीं, कितने सारे सोल्जर्स हैं, सबको जब ट्रेनिंग दी जाती है सब यही बात होती है। तो टेररिज्म को फाइट करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो सब भी कैसा है, वो सब भी नॉन डेवलपमेंटल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोस डाउन एंड लेवल ऑफ पॉवर्टी इंक्रीजेस। नाउ लास्ट वन इज द डिफेक्टिव पॉलिसीज फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज को हमने प्रायोरिटी दी और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव करना था, पर साथ में गरीबी भी हटानी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर करना था। पर ये पॉलिसी के अंदर हमने ये देखना भूल गए हम कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस रखने वाला एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा है एग्रीकल्चर एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए इम्पोर्टेंस देना चाहिए था कि वहां से मेजोरिटी की इनकम आती। लेकिन जब पॉलिसी बनाई गई तब इनको तो हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और फ्रीक्वेंटली देवर फॉरगॉटन। फिर वह गवर्नमेंट ने जब जब भी चेंज किया, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी बदल जाती, तो पुरानी पॉलिसी को चलाने वाली गवर्नमेंट आनी चाहिए तो वो पॉलिसी का रिजल्ट आपको 15-20 साल में मिलता है। लेकिन अगर 10-5 साल के बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट अपने पुरानी वाली गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी को क्या करती है, शेल्फ कर देती, भुला देती है और उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। इसीलिए पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो पाती। अगर आप पॉलिसी बनाओगे तो आपको उसको एक पॉलिसी को वर्क करने में एटलीस्ट 15-20 ईयर्स का टाइम देना पड़ता, लेकिन इतने टाइम पीरियड के अंदर वो पॉलिसी भुला दी जाती। इन सब रीजंस के कारण ये जितने भी थे 3 तरह की कैटेगरी में हमने डिवाइड किए। 4 पहले हिस्टोरिकल रीजंस थे, इसमें 4 बातें देखिए। पहले तो ब्रिटिश का इंडिया में आना और उसके कारण एक कॉलोनाइजेशन हुआ और एक्सप्लोरेशन हुआ। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का खराब हो जाना जमींदारी सिस्टम के कारण। उसके बाद में बिजनेस और ट्रेड के अंदर ब्रिटिश लोगों को ज्यादा एम्पावर करना और इंडियंस को पीछे रखना। उसके बाद में जो भी सरप्लस प्रोडक्शन था ब्रिटेन का वो इंडिया में हर जगह पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इंडियन चीजों को इंडिया में बेचने के ऊपर मनाई की गई थी। ये 4 रीजन। फिर रूरल पॉवर्टी की बात करो तो उसमें पहले तो नेचुरल कॉज आ। नेचुरल कॉज यानी क्या? नेचुरल कॉज यानी एग्रीकल्चर के ऊपर इंडिपेंडेंस और उसमें ड्राउट की सिचुएशन बार बार, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून फ्लड की कारण एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम, इसलिए पॉवर्टी ज्यादा। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम, कारण इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी बराबर नहीं है, एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट नहीं होता वहाँ पे और उस पर ज्यादा पॉपुलेशन का लोड है, इसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम रही। लैंड और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से नहीं हुआ। लैंड इम्पोर्टेंट है कल्टिवेशन के, लेकिन जमींदारों के पास ज्यादा जमीन, टेनेंट के पास कम जमीन, और कई बार जो मालिक भी है ना उसको भी जमीन गंवानी पड़ती है। फिर स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस,
बट रूरल एरियाज के अंदर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर ज्यादा, प्रोडक्शन एंड इनकम उसमें निगलेक्ट किया गया। मोर ओवर एग्रीकल्चरल और अलाइड एक्टिविटीज जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, ये सब धीमे धीमे ग्रोथ कर, और इसके कारण इंडिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट, रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस है, प्राइस कभी कंट्रोल में रही नहीं, प्राइस बढ़ती जाए लेकिन इनकम अगर सेम रहे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है, फिर हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि अगर एग्रीकल्चर की बात करो तो साल में एक ही क्रॉप लिया जाता है, बाकी टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से हम सोशल रीजंस की बात करें तो उसमें दो रीजंस है, एक तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन ना होना उसके कारण नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझदारी बहुत मुश्किल से आ सकती है, राइट, पढ़ाई लिखाई ना होने के कारण वेज लेवल इसके कारण कम होता है और पॉवर्टी इंक्रीज। फिर जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी में फीमेल और मेल को एक जैसा नहीं गिना जाता, फीमेल्स आर नॉट गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन द फैमिली एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न, एजुकेशन की बात करें या फिर कमाने की बात करें, उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। फिर अदर रीजन में हमने क्या देखा था, वॉर बार बार हुई इंडिया की, तो इसमें बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना चाहिए वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी चला गया, एंड सिमिलरली जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर भी इतना ज्यादा एवरी ईयर, इवन इवन तो देर इज नो वॉर लेकिन फिर भी डिफेंस के ऊपर किया जाने वाला खर्चा बहुत ज्यादा है। देन कम्स डिफेक्टिव पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसीज बनाई उसमें इम्पोर्टेंस जिसके ऊपर देना चाहिए उसकी जगह पे कोई तीसरी चीजों के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बार बार चेंज होने वाली गवर्नमेंट पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख पाती। नाउ द लास्ट पॉइंट इज देयर जो कल अपने कंप्लीट कर।